Hey all, I'm Shreya Nain, welcome back to UsAndTheLittleOne. आज का जो वीडियो है इज़ ऑन वन ऑफ द रिक्वेस्टेड टॉपिक कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग कैसे पैक करते हैं बच्चों का सारा सामान एंड व्हाट डू वी कैरी विद अस. तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए जा रहे हैं. दिस इज़ गोना बी आवर 5th ट्रिप ऑफ दिस ईयर, रोड ट्रिप विद एन इन्फेंट एंड अ टॉडलर. जो चीकू है ही इज़ 4 years 8 months ओल्ड एंड जो चेरी है शी इज़ 8 months ओल्ड. इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4 cities कवर कर चुके हैं एंड नेक्स्ट वी आर हेडिंग टू गोवा, आवर फेवरेट प्लेस. तो यहाँ देखो हमारे घर की हालत पूरी ऊपर नीचे हो चुकी है बट इट्स ओके, ये सब अभी थोड़ी देर में पूरा क्लियर होने वाला है. सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मेरा एक चेकलिस्ट है, ट्रैवल चेकलिस्ट, जो मैं बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इससे सबसे पहले मेरा ट्रैवल चेकलिस्ट था जो शादी से पहले मैं वो फॉलो करती थी. फिर जब शादी हुई देन आई एडेड 1 more page फॉर प्रभु एंड उसके बाद फिर चीकू का ऐड हुआ एंड देन चेरी का ऐड हुआ. तो इससे क्या होता है, मेरे को कुछ भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एवरीथिंग इज़ इन दिस चेकलिस्ट. तो मैं बस इसको देखती हूँ एंड फटफट सारा पैक हो जाता है. तो पैकिंग करना इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस. तो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर द किड्स. मैं हमारा जो पूरा पैकिंग है उसका एक और पार्ट 2 बनाऊंगी बट दिस वन इज़ ओनली फॉर द किड्स. मैं कैमरा थोड़ा सा साइड कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए. तो लेट्स स्टार्ट पैकिंग. तो दिस इज़ द वन बड़ा वाला सूटकेस जो विल बी कैरिंग. तो इसी में मैं सारे कपड़े हमारे रखूंगी, चीकू, चेरी, मेरा और प्रभु का. एक और सूटकेस रहेगा जो छोटा वाला लगेज बैग रहता है वो, एंड साथ में लेदर बैग फॉर माय एक्स्ट्रा जो भी सामान रहेगा. फर्स्ट आई शो यू विद दिस बास्केट. तो इसमें आप देख सकते हो एक जैकेट, एक 1 set ऑफ क्लोथ फॉर चीकू, उसका कैप, चेरी का एक सेट ऑफ ड्रेस, उसका जैकेट. ये मैंने एक रख लिया है ताकि कल सुबह हम लोग जब 4 बजे निकलेंगे तो जस्ट उठे, रेडी हुए एंड ये कपड़े पहनाएं. तो इसको मैंने इसलिए अलग बास्केट में रख दिया है ताकि सुबह सुबह मेरे को ज़्यादा कुछ काम ना करना पड़े. एंड तो अभी इसमें हाफ जो सेक्शन है उसमें मैं चीकू एंड चेरी के कपड़े रखने वाली हूँ, हाफ में मेरा और प्रभु का आने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट विथ चीकू का ड्रेस जो है. सो चीकू के सारे कपड़े जो है ये देखो, नाइस राइट. तो ये सब जो भी है मैंने फर्स्ट क्राई से ख़रीदा है एंड यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी मैं ख़रीदती हूँ फर्स्ट क्राई से इट्स ऑफ द बेबी हग ब्रांड. मैंने दूसरे भी ट्राई किए हैं बट मुझे बेबी हग का सबसे अच्छा लगा. द क्वालिटी, द प्राइस बहुत अच्छा है. बच्चे इतने जल्दी बड़े होते हैं कि आई डू नॉट प्रेफर बाइंग कॉस्टली क्लोथ्स फॉर किड्स जब तक कुछ इवेंट या पार्टी नहीं है. तो ये हुआ. एंड तो दीज आर द ट्रैक पैंट्स. हमें को एक्चुअली शॉर्ट्स पहनाना था चीकू को बट जब से चेरी हुई है ही इज़ लाइक आई एम अ बिग ब्रदर नाउ. तो मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगा, वो बच्चे सिर्फ पहनते हैं. तो ही ओनली वेयर्स ट्रैक पैंट एंड जीन्स. इसलिए अभी जो भी आप वीडियोस देखते हो उसमें सिर्फ वो ट्रैक पैंट एंड जीन्स में ही दिखता है. आई हैव बॉट फ्यू शॉर्ट्स ऑल्सो फॉर हिम. ऑल्सो बीच देख के अगर उसका मन किया दूसरों को देख के कि शॉर्ट्स पहन सकता हूँ तो इसलिए. So this all is going inside now. And yes, if you are following me in the Instagram, you'll know that I am associated with First Cry. So I keep on sharing every month some discount coupon codes like 45% to 50% discount. तो अगर आप तो एवरी मंथ आई डू शेयर इट इन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड पोस्ट. सो अगर आप मुझे वहाँ फॉलो नहीं करते तो वहाँ फॉलो कर लीजिए ताकि आई कैन शेयर माई डिस्काउंट कूपन कोड्स विद यू ऑल टू. तो मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि पर डे 2 set ऑफ ड्रेस ताकि बाई चांस पानी में जा रहे हैं तो कभी पानी गिर गया, खाना गिर गया, कभी हम ट्रैवल करते समय पानी गिर गया, खाना गिर गया या कुछ स्पिल हो गया, खराब हो गया कपड़े, तो फिर वाई टू टेक रिस्क. तो एक दिन का 2 कपड़ा. तो वी आर दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर 7 days ट्रिप. तो ये उसके शॉर्ट्स, T-shirts, स्लीवलेस शर्ट्स तभी मैं ले सकती थी. उसके साथ मैंने पेयर करते हुए 7 days के लिए बना लिया है. एंड देन दिस इज अ टॉवल. रिजॉर्ट में ऑब्वियसली होटल में टॉवल देते हैं बट फॉर चीकू एंड चेरी आई प्रेफर टेकिंग देयर टॉवल्स, 1 टॉवल ईच ऑफ देम. हैंड टॉवल्स, 2 hand towels. मैंने चीकू का जैकेट रख लिया है. गोवा में गोवा में गर्मी होने वाली है बट स्टिल अभी मौसम बहुत अलग है. बाय चांस कभी ठंडी हो गई, बारिश हो गई, ठंडा लग रहा है, रात को हम लोग नीचे बैठे हुए हैं. तो फॉर द सेफर साइड आई एम टेकिंग 2 more sweaters फॉर चीकू. एंड अगर गर्मी वाला मौसम भी है स्टिल आई प्रेफर टेकिंग एन एक्स्ट्रा स्वेटर और जैकेट फॉर किड्स क्योंकि हम नहीं बोल सकते इफ यू आर गोइंग बाई कार और फ्लाइट और कहीं पर बैठे जाएँ इसी ज़्यादा हो गया, बच्चों को ठंडी लग रही है, तो वाई टू टेक रिस्क. तो मैं हमेशा 1 या 2 sweater अपने साथ, अब डिपेंडिंग ऑन कितने दिन के लिए जा रहे हैं उतना मैं एक्स्ट्रा रख लेती हूँ. लेट्स पैक फॉर चेरी. तो चेरी के लिए मेरे पास फ्रॉक्स मैंने लिए हैं. दिस ऑल अगेन इट्स वेरी क्यूट एंड सी व्हाट आई गॉट फॉर चेरी बेबी. It's a cherry dress for her. कि ये टेडी ब्रांड का है, तो मुझे ये बहुत क्यूट लगा तो मैंने ले लिया। देखिए मैंने नए कपड़े नहीं खरीदे हैं इस बार, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने फोटोशूट के लिए एंड साथ में फेस्टिवल इन सब चीज़ के लिए रिसेंटली बहुत सारे मैंने ड्रेस देखो नए नए खरीदे थे एंड वो इतनी जल्दी ग्रो करते हैं, तो इफ़ आई बाय मोर नाउ तो पहले वाला पहना नहीं पाऊंगी, ये भी छोटा हो जाएगा वो भी, तो फिर इसलिए आई हैव प्रेफर टेकिंग ऑल द ओल्ड क्लोथ्स। तो ये जो एक है ये मैंने हॉप्सकॉच से खरीदा था। आई जस्ट लव दिस ड्रेस, यहाँ पे देखा होगा चेरी बहुत बार पहन चुकी है। वन मोर और मैंने चेरी के लिए प्रेफर किया है, उसको हल्का सा कोल्ड हुआ रखा है एंड क्लाइमेट इज ऑल्सो चेंजिंग, बारिश हो रही है, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो मैंने सारे प्रोसेस अपने से हाई नेक वाले मैंने एक दो लिए हैं, तो जैसे हाई नेक उसके साथ वनजीज जो भी है वो हम लोग पहनेंगे। बस और क्यूटी क्यूटी, आई जस्ट लव छोटे बच्चों के ड्रेस। तो जस्ट लाइक चीकू हम लोग चेरी के लिए भी नाइट ड्रेस पहले से ही प्रेफर करते हैं, तो हम लोग उसको नाइट में उसका जो नाइट रूटीन है उसमें हम लोग चेंज करके ही नाइट ड्रेस पहनाते हैं। तो दिस इज द नाइट ड्रेस फॉर हर। ये BBOA ब्रांड का है एंड दिस इज गुड, दिस इज 9 to 12 months का मैंने लिया हुआ है, तो दिस कम्स परफेक्ट फॉर हर एंड विल कीप दिस ऑल्सो। वन एक्स्ट्रा जैकेट एज आई टोल्ड यू कि एक्स्ट्रा मुझे रखना है एंड फ्यू अदर फ्रॉक्स। तो जब आप पैक करते हैं आई शो यू, आपको आप दो तरीके से पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं पैक करती हूँ आई मेक श्योर कि मैं ऐसे रखती हूँ ताकि यहाँ से मुझे पता चल जाए कौन सा ड्रेस मुझे कब निकालना है, टॉवल्स या ड्रेस जो भी मुझे निकालना है, इट्स ईजी टू पिक इट अप। एंड ये साइड मेरा एंड प्रभु के लिए है, जो होप सो आ जाएगा इसमें। अदरवाइज व्हाट आई डू इज, जैसे ये नाइट ड्रेस है और अगर आप लोग एक के ऊपर एक रखना चाहते हो तो उसके बाद जो स्पेसेस रहता है वहाँ पे आप इनको ऐसे रोल करके रख सकते हो, तो इससे क्या स्पेस बहुत कम यूज़ होता है। तो अभी तो मैं ये ऐसी रखने वाली हूँ। एंड जनरली व्हाट वी डू, जब भी हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे कबर्ड फैसिलिटी तो रहता है, तो मैं जाते के साथ ही पहले निकाल के रख देती हूँ सारा कबर्ड में ही, बिकॉज जो प्रेस किया है वो भी ख़राब नहीं होता है एंड जब निकालते भी हैं तो हमेशा ख़राब हो जाता है जल्दी जल्दी में, फिर बाद में फिर से सेट करो, तो वी प्रेफर पहले ही जाके मैं पूरा रख देती हूँ कबर्ड में एंड फिर उसके बाद हम लोग जब निकलते हैं तब पूरा मैं ऐसे ही वापस से रख के लेकर आ जाती हूँ। सो लेट्स फोल्ड दिस वन। हैंडकर्चीफ फॉर चीकू एंड चेरी, तो इनको मैं यहाँ रखूँगी ताकि इट्स इजी टू एक्सेस। सॉक्स फॉर चीकू एंड चेरी, तो वो ये ज़रूरत पड़ भी सकती है पड़ नहीं भी सकती है, बट आई प्रेफर टेकिंग सॉक्स फॉर देम। दिस इज दी सस्पेंडर फॉर चीकू, ये मैं मैंने किड्ज़ोन शोरूम से लिया था। दिस इज दिस वन, जो जैसे दूसरे रहते हैं सस्पेंडर द क्लिप वन, बट और ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 year तो हो ही गया इसको यूज़ करके। बच्चों के लिए मैं चीकू के लिए बेल्ट अभी तक यूज़ नहीं करती हूँ, इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर देम। बट इसके साथ साथ मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ऐसे हुक वाला भी सस्पेंडर आता है, तो जीन्स पर जो जगह दे दिया जाता है बेल्ट के लिए, तो उसमें आप लोग इसको हुक कर सकते हो बच्चों के लिए। तो अगर वो ऑप्शन है तो आप हुक कर सकते हो, और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप ये क्लिप वाला जीन्स में लगा के यूज़ कर सकते हो। तो चीकू है 4.5 years पर, मैं अभी से उसके लिए 5 to 6 years का लेती हूँ, बिकॉज ऑफ इस हाइट तो उसको जीन्स आती नहीं है। अगर मैं छोटा लेती हूँ तो 1-2 महीने के अंदर है ना उसके लिए बहुत जल्दी छोटा हो जाता है जीन्स, और जब बड़ा साइज लेती हूँ तो उसके कमर पे ढीली हो जाती है, तो इसीलिए मुझे सस्पेंडर यूज़ करना पड़ता है उसके हमेशा जीन्स के लिए। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ चीकू शेरी का जो भी पैकिंग था कपड़ों का, इट्स ऑल डन। नाउ दिस इज द लास्ट थिंग, जिससे मैंने चेरी के छोटे छोटे एक्सेसरीज, हेयर बैंड, हेयर क्लिप्स, छोटे छोटे जितने भी है सब मैंने इसके अंदर ऐसे रख लिया है ताकि मुझे एक ही जगह में सारा मिल जाए। तो जो भी ड्रेस मैंने ली है उसके हिसाब से जो भी मैचिंग रहेगा उसका, तो ये हो गया। सो एवरीथिंग इज डन। नाउ नेक्स्ट इज दी डाइपर, तो ये एक्स्ट्रा डाइपर पैकेट मैं पूरा की पूरा ऐसे ही ले रही हूँ। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरनेशनल ट्रिप तब मैं ऐसे नहीं लेती हूँ, आई प्रेफर मैं बाहर ही जब जहाँ पे भी जा रहे हैं हम लोग वहीं पे मैं शॉप से ख़रीद लेती हूँ, या वहाँ पे अमेज़ोन से मैं ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ डायरेक्टली होटल पे, क्योंकि इतना बड़ा उसका वेट लेके जाना पड़ता है। बट नाउ वी आर ट्रैवलिंग बाय रोड हमारी खुद कार में, तो फिर इट्स बेटर टू कैरी फ्रॉम हियर। तो मैंने एक पूरा पैकेट ले लिया है 7 days, तो ये इतना यूज़ होना चाहिए, तो उससे पर साइकिल थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो गया तो इट्स ओके। एंड देन नेक्स्ट इज दी डाइपर बैग, तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। इसमें मैं बस दिखा देती हूँ मैंने कैसे रखा है सारा, बट बाकी चीज़ें सारी तो जो वीडियो में आप देखोगे एग्जैक्टली वैसी है, बिकॉज जब चेरी 4.5 years की थी वी हैड बीन टू येलागिरी, वहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया था। व्हाट्स इन माई डाइपर बैग, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है एक्सेप्ट ब्रेस्ट पम्प। मैंने अभी मिल्क एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, ऑलमोस्ट 3-4 months हो चुका है, तो इसलिए मैं अभी ब्रेस्ट पम्प एंड द बॉटल जो भी उसके साथ की चीज़ें थी वो सब मैं भी कैरी नहीं करती हूँ मेरे साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट ईच एंड एवरीथिंग इज सेम एंड मैंने वैसे ही रखा है सारा, इफ यू कैन सी। या बस अब इसमें 1-2 पेयर मुझे कपड़े के एक्स्ट्रा जो है वो रखना है, अदरवाइज इट्स ऑल डन। एंड टॉयलेटरीज में चीकू एंड चेरी का जो भी है सब इसी बैग में है। अगेन इट्स ऑल इन द वीडियो, यू कैन सी देयर। मैं यहाँ पिन भी कर दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन हमारा ये जो छोटा सा मेडिकल किट है हमारा, दिस बॉक्स इज़ वेरी क्यूट साइज, ये मैंने अमेजोन से लिया है। तो इसमें इफ यू सी बुखार के लिए, जुकाम के लिए, खांसी के लिए, एंड दिस इज़ फॉर चेरी। इसमें मैंने सब में आप देखोगे तो मैंने नाम लिख लिया है चेरी, एंड उसके साथ कब लेना है, कितना ml लेना है और कब कब लेना है, तो मैंने इसके ऊपर ही मार्कर से लिख चुका है। दिस साइड इज चीकू, तो मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ, आपने नोट किया ही होगा। आफ्टर बाई टर्मरिक बाम, ये छोटा वाला आया था तो मैंने छोटा ले लिया, वरना पहले मुझे बड़ा कैरी करना पड़ता था। तो रैशेज हो या मस्कीटो ने बाइट कर दिया हो तो वेरी गुड वन, ये मैं भी यूज़ करती हूँ, बहुत इफेक्टिव है। तो दिस ऑल हियर एंड यहाँ पे जैसे दे सकते हो थर्मामीटर रखा हुआ है तो चेक द टेम्परेचर। एंड ये मेरा मार्कर ये मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेडिसिन के कहीं मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि इसमें मेरा चीकू का, चेरी का, प्रभु का सबका है, तो मिक्स ना हो जाए करके आई डोंट फॉरगेट दिस। ये छोटा सा कप फॉर चीकू के लिए, उनका नेजल ड्रॉप, विदाउट दिस आई डोंट गो एनीवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंड दिस वन, सो इट्स ऑल डन, हमारा मेडिकल किट भी रेडी हो चुका है। तो कार में जाने का ये एक फ़ायदा रहता है, जो जो चाहिए सब आराम से अच्छे से रख सकते हैं हम लोग। सो This is done here. इसके अलावा this is a small bag for me. मैं एक छोटा पर्स रख लेती हूँ जब भी बीच में जा रहे हैं कि मेरा फ़ोन पे गिर ना जाए, तो फ़ोन एंड 1 diaper in this and few handkerchiefs for Sherry baby and 1 lip balm. This is from Baby Chakra. तो ये छोटा सा बैग जहाँ पे भी जाओ इसको कैरी कर लो, तो इट्स इजी फॉर मी। तो ये चीज़ हो गई है। द नेक्स्ट इज चीकू का टॉयज एंड जो एक्टिविटीज़ मैं उनको कराने वाली हूँ इन द रिजॉर्ट, ऑन द रोड। मुझे अभी ज़्यादा टेंशन ऑन द रोड हो रहा है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम 12 hours का जर्नी हम करने वाले हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो उनको बिजी रखना इज गोना लिटिल डिफिकल्ट। एंड कार में आई डोंट प्रेफर गिविंग मोबाइल और iPad, तो अभी उनको बिजी रखने के लिए मुझे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ प्लान करा है मैंने, वो सब चीज़ तो वो पैक करेंगे। हाँ बस अभी ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम एक रह गया था जो मैं अभी जाके डेक्लेथॉन से लेकर आई हूँ, तो मेरा बस यही एक क्लास रह गया था, मुझे बिना इसके जाना नहीं था गोवा। क्या क्यूट राइट। तो ये हो गया। एंड चीकू का ऑलरेडी हमने डेक्लेथॉन से लिया हुआ था उसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो ये दोनों पैक हो गए। तो चीकू चेरी का ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, मैंने आपको सब दिखा दिया है। मेडिकल किट में क्या रखा है, डाइपर बैग में क्या रखा हुआ है, कौन से कपड़े में हमने पैक कर लिए हैं और क्या चाहिए हो सकता है, डाइपर हो गया है। And with that, everything is done. One more thing, चीकू यहाँ ये रखे गया है कि मम्मा यू फॉरगॉट टू शो दिस, तो इसका नया बीच टॉय है बकेट, तो ये हमने लिया है, तो मैंने दिखा दिया क्योंकि चीकू ने याद दिलाया है। बट कितने क्यूट टॉयज आते हैं ना आजकल बच्चों के लिए। ओके फाइन, ओनली द फूड पार्ट इज़ लेफ्ट। तो चेरी के जो हम लोग लेने वाले हैं दैट वुड बी आई बी टेकिंग 1 सेरेलैक पैकेट, 8 months+ वाला जो है वो मैं एक एमरजेंसी के लिए पैकेट रखने वाली हूँ। उसके साथ जो कुछ चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं, आई जस्ट गिव यू इन अ शॉर्ट, वरना इसके आगे मैं बेबी का ट्रैवल के टाइम पे क्या फूड आप कैरी कर सकते हो, क्या आप घर में बना सकते हो, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो अभी के लिए जहाँ पे भी हम ट्रैवल करते हैं वहाँ का जो फ्रूट्स है, तो बेसिक बनाना, चीकू, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे लोकल मार्केट में मिलता है, तो हम जाते सबसे पहले वो ले लेंगे ताकि हम लोग चेरी को फीड करा सके, वो खिला सके। शी लाइक्स बनाना, चीकू एंड वो अभी से ही कप एंड स्पून में जूस पीना शुरू कर चुकी है। सो नॉट द मार्केट वाला जूस, मैं घर पर ही फ्रेश बना के देती हूँ, अगर नहीं तो जैसे वाटरमेलन हो गया उसको अगर मैश कर थोड़ा जूस आ जाता है उसमें से, तो उसमें दैट वो मैं पिला देती हूँ, इट्स लाइक दैट। एंड रागी का पाउडर है मेरे पास, आई विल बी टेकिंग रागी। एंड अगर आप रिक्वेस्ट करोगे रिजॉर्ट में भी तो वो लोग बना के देते हैं बच्चों के लिए खाना, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, या तो फिर एप्पल प्यूरी हो गया. सो इफ़ यू जस्ट रिक्वेस्ट देम वो बना के दे देते हैं. तो इससे पहले जब भी हमने चीकू के साथ ट्रैवल किया है, जब वो छोटा था, तो हम लोग रिजॉर्ट में बोल देते थे कि स्पेशली एप्पल प्यूरी या तो बनाना प्यूरी, तो एनी फ्रूट प्यूरी, और अदरवाइज इडली, एंड इडली इज़ द बेस्ट ऑप्शन. तो ये हम रखते थे. बट इसके साथ साथ जो मैं कैरी कर रही हूँ अभी, इट्स दी ओट्स को मैंने रोस्ट किया हुआ है, रोस्ट करके उसको मैंने ग्राइंड करके छान लिया है, उसका पाउडर बनाया हुआ है मैंने, वो लेके जाऊँगी. मुरमुरा का सेम मैंने ऐसे किया हुआ है, एंड पोहा का मैंने सेम ऐसे किया हुआ है, रोस्ट करके ग्राइंड करके उसको छान के उसको मैंने पाउडर्स बना लिए छोटे 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 डिब्बे में. तो जब मैं हमारा फूड का पैक करूँगी तो मैं लास्ट में एक बार इसमें ऐड कर दूँगी ताकि पता चल जाए क्या क्या लेके जा रही हूँ. बट एंटायर डिटेल वीडियो की कैसे बनाया है वो सारा मैं दूसरे वीडियो में करूँगी. एंड आई डोंट थिंक सो आई हैव मिस्ड एनीथिंग. जो भी मुझे याद था मैंने बता दिया है. इफ़ यू हैव एनी सजेशन और इफ़ यू हैव एनी टिप जो मेरे लिए भी नेक्स्ट टाइम ट्रिप के लिए यूज़ हो सकता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अभी हम चलें हमारा पैकिंग करने. सी यू ऑल, बाय बाय.